क्लास नाइन्थ के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आ चुका आपका एकदम ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल जो आपको बताया जाएगा 100% ओरिजिनल चीजें बताई जाएगी, ये बी सी डी बिल्कुल आप तो पेपर याद करो बढ़िया से, यही प्रश्न पत्र आपके आ रहे हैं, इन्हीं में आपका रियल समा हुए थे ठीक है। लतायाम इति रूपम भवती सप्तमी, बालक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति ठीक है, बाल काय लताये इति शब्द रूपम भवती चतुर्थी, नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ति ठीक है, नदीम अज्ञा सोमवासरा अस्ति अस्मिन् वाक्य अव्ययी पदम अस्ति अज्ञ। क्लास नाइन्थ के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लो जी संस्कृत का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आ गया है, यही पेपर आपको 8 दिसंबर के दिन एमपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। लतायाम रूप इति रूपम भवति सप्तमी, बालका शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति तो बालका है, लताये इति शब्द रूपम भवति चतुर्थी विभक्ति है, नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचनम नदीम, अज्ञान है आज सोमवासरा अस्ति अस्मिन् वाक्य अव्यय पदम अस्ति अज्ञान आज ठीक है, इनमें से अवयव है तो ये अत्र है ठीक है। चलिए पट धातु लट लकार मध्यम पुरुष एकवचनम रूपम पठसी, भविष्यति इति पदे धातु अस्ति, भविष्यति में कौन सी धातु है, पट धातु है ठीक है, ए भू धातु है भैया, इसमें कौन सी धातु है, भू धातु है ठीक है। लिखतु इतस्मिन पदे लकार लोट लकार ठीक है, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम अस्ति भवन्तु, और सुआगतम इतस्मिन पदे उपसर्ग सु, दुराचार इतस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति दुर ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहां से है सही जोड़ी भ्रमित्वा का जाएगा कतवा, बाला का जाएगा आपका टाप, विहाई का जाएगा लियप ठीक है, माता अधिसत का जाएगा आपका पुत्रीम, और यहाँ पर आपका पूरा लद्वी भवती इसका छाया, और इस छठे का जाएगा बाला ठीक है। अब एक वाक्य में उत्तर है, पहले में मध्यमा भरना है, दूसरे का स्वादुनी आ जाएगा, रात्रि का पर्यायवाची निशा है, पवन का पर्यायवाची समीर है, कटु का विलोम पद सरस है, विजय का विलोम पद पराजय है, विजय का है ना, और विद्या प्लस आले में दीर्घ संधि बिल्कुल सत्य बात है, रत्नागर इतस्य पदस्य संधि विच्छेद रत्ना धनगारा बहुत ही गलत है भैया ठीक है। और ये आपका यहाँ से तीसरा आम है, चौथा आम, पांचवा और छठा आपका आम रहेगा ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका 7 है, 8, 9, 10 ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लो अच्छे से, यही प्रश्न आपके आएंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 12, 13, 14 और ये 15, 16 को देख लीजिए आप, भर दिया है पूरा मैंने पहले से ही, ये तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र है। वार्षिक के लिए मैं आपको 5 पेपर प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट कर लेना है, घबराना नहीं है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ठीक है ये हो गया है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19, 20 यहां से देख लीजिएगा।